ने टीजर देखा मेरा संघर्ष का, मेरा कुछ अलग अवतार है उसमें, वो एक अलग दिशा की कहानी है, ये एक अलग दिशा की कहानी है। दुनिया अभी तक लड़की के लिए पागल बनते हुए लोग आपने देखा होगा, बट माँ बाप के लिए कोई बहुत कम ऐसे पागल होते हैं जो अपने माँ बाप के लिए पागल हो जाते हैं। वो क्या है कहानी, जब आप देखिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सब न्यूज चैनल वाले भाइयों से, यूट्यूबरों से भी सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि हम गलत करें तो प्लीज आप मुझसे गलत बोलिए, लेकिन अगर हम कुछ सही करें तो कोशिश करिए कि हाँ दुनिया तक इस भोजपुरी को अगर सही बोलिएगा तो सही देख दुनिया जानेगी, गलत बोलिएगा तो गलत जानेगी। क्योंकि सिर्फ गाने से हम दुनिया को प्रभावित नहीं कर सकते, इतने दिन से तो कर ही रहे हम लोग, कहाँ कर पा रहे हैं। बट मुझे लगता है कि वो एक अलग क्षेत्र हो गया, गायकी एक अलग क्षेत्र हो गई, लेकिन सिनेमा से ही हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे साउथ के लोगों ने क्या, वो भी तो सॉन्ग गाते ही हैं, सॉन्ग लेकर आते ही हैं। मैं खुद ही रोने लगा करके कि मैं किया हूँ ये। जी हाँ दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि खेसारी लाल यादव के जो नए फिल्म का टीजर आया है फरिश्ते का, उसमें खेसारी लाल यादव के करेक्टर को देखने के बाद से शायद कोई ऐसा इंसान होगा जिसने नहीं रोया होगा और उसने खेसारी लाल यादव के इस करेक्टर को लेकर तारीफ नहीं किया होगा। क्योंकि इसमें जिस प्रकार खेसारी लाल यादव ने पागल का रोल किया है, शायद कोई ऐसा बड़ा कलाकार भी इस रोल को नहीं कर सकता है, मगर खेसारी लाल यादव ने ये साबित कर दिया कि खेसारी लाल यादव कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने फरिश्ते के टीजर को देखा कि नहीं, आपको कैसा लगा इस टीजर और खेसारी लाल यादव को लेकर आप सभी क्या कहेंगे, प्लीज अपना राय आप सभी हमें कमेंट में दीजिएगा और ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।